बहुत ही अलमनाक सानिया हुआ है। एक बिल्डिंग थी, उसके नीचे जो गैराज टाइप या ओपन एरिया थी, उसमें मालिक मकान ने सिलेंडर्स के लिए शॉप दी हुई थी, उसमें एक सिलेंडर फटा है और उस सिलेंडर के फटने से उधर बाकी सारे जो गैस सिलेंडर हैं वो फटे, उससे आग लगी। इस वक्त जो इत्तलात हैं, अभी तक हमारे पास 51 लोग इंजर हुए, जिनमें से 2 की डेथ हो गई है। 27 लोगों ने 51 में से उन्होंने कराची भेजे, 19 पहुँचे थे, 2 डेथ्स ऑन अराइवल ही हैं और बाकी भी जो सारे हैं, मैंने जाके पेशेंट्स को देखा भी है, कुछ उनकी 70% बर्न्स हैं प्लस, कोई कोई तो डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि 100% बर्न्स हैं और 9 ऐसे हैं जो 100% बर्न्स हैं और उनका है ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। डॉक्टर्स अपनी कोशिश करेंगे पूरी, बस अभी सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि उनको जितना पेन फ्री कर सकें वो हो। ऐसा वाकया नहीं जिसके बारे में ज़्यादा बोला जाए, बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो भी कैपेसिटी थी वो पूरी हो गई है। अभी हेल्थ मिनिस्टर साहब पहले से यहाँ मौजूद थी, अभी वो गई हैं पटेल हॉस्पिटल, वहाँ पे भी बर्न सेंटर है, वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया 7 या 9, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, कि पेशेंट्स उधर 9 पेशेंट्स उधर आ रहे हैं और उनकी वो देखने गई हैं। बस इस वक्त डॉक्टर्स तो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि सिलेंडर्स, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो प्रॉपर तरीक़ाकार नहीं है कि सिलेंडर्स फिल कैसे करें, उसकी क्या जो होना चाहिए और है भी कानून बने हुए, लेकिन गैस ना होने की वजह से, और फिर देखिए अभी नीजोक एक्शन यही होगा, कल को सारे के सारे हम जो सिलेंडर्स वाले उनको बंद कर देंगे प्रॉब्ली हैदराबाद जाके और जगह पे भी, लेकिन उनका भी रोज़गार लगा हुआ होता है, लेकिन ज़िंदगी से ज़्यादा और कोई कीमती चीज़ नहीं है। तो मैंने इंतज़ामिया से, अभी मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सिविल डिफेंस वालों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को, इमीडिएटली चेक करें। लेकिन ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक इशू है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा।